Hello, myself Dr. Ritika Dua, dietitian and Ayurveda, since 16 years in Moral Town. Hello friends, आज मैं इस वीडियो में आपको कैसे केयर करना है अपनी स्किन का, अपने हेयर्स का और अपने बॉडी का, उसके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ. हैशटैग केयर ऑफ योर स्किन, हैशटैग केयर ऑफ योर हेयर्स, हैशटैग केयर ऑफ योर बॉडी. तो ये हमारी बहुत ही ज्यादा डिमांड आई थी मुझे कि डॉक्टर रितिका आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ और हम सबको बताओ कि हमें अपनी स्किन हेयर किस तरह से केयर करनी. तो आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, इस होम रेमेड तरीके होंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा. इस वीडियो को मैं तीन सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगी. वन, हैशटैग केयर ऑफ योर स्किन. तो हम स्किन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर्स, हमारे लिए सबके लिए जरूरी है एक प्रॉपर नींद. अगर हम एक प्रॉपर नींद लेंगे तभी हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमारे हेल्थ भी बेनिफिट रहेगा. तो सभी को प्लीज रिक्वेस्ट है कि 8 आवर्स की नींद जरूर लें. एंड सेकेंड ऑफ ऑल वाटर, हमें डिहाइड्रेट नहीं होना है. 2 लीटर्स वाटर हमें डे का पीना ही पीना है. जैसे अभी विंटर्स थोड़ी कम हुई हैं तो हम ल्यूकोम फॉर्म में या ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी या डिटॉक्स वाटर्स, इन तरह से नींबू पानी इस तरह से भी लेके यूज कर सकते हैं. नींबू पानी भी पी सकते हैं. और मतलब हमें 2 लीटर्स ऑफ पानी पीना ही पीना है. जैसे सरमन वाला हो गया या कोई भी किसी भी नॉर्मल वाटर भी आप ले सकते हैं, बट 2 लीटर्स वाटर का इनटेक हमें डे में करना ही करना है. थर्ड ऑफ ऑल, अब सबसे बड़ी चीज, हम लोग अपने चेहरे पे जैसे फाउंडेशन लगाते हैं या मेकअप करते हैं, तो जब भी हम मेकअप को रिमूव करें, आई एम गिविंग अ वन टिप इज अ वेरी गुड टिप. आपने कुछ नहीं करना, आपके घर में कोकोनट ऑयल होगा. कोकोनट ऑयल आज के टाइम पे बेस्ट ऑयल है जिसको आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं. तो इसको आप वेजिटेबल्स जैसे सब्जियां बनाने के लिए होता है, वर्जन कोकोनट ऑयल आता है मार्केट में, उसका यूज कर सकते हैं. लेकिन स्किन के लिए जैसे पैराशूट का छोटा सा बॉटल आता है कोकोनट ऑयल का, तो उसको आपने क्या करना है, कॉटन पे लगाकर रात को सोते समय जब अपना मेकअप आप रिमूव करने जाओगे तो आपने थोड़ा सा कॉटन पे लगाकर चेहरे पे सारा रिमूव कर लेना है. इससे आपकी सारी स्किन ग्लो करेगी. सेकेंड, अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो बादाम रोगन का तेल भी यूज कर सकते हैं, आलमंड ऑयल कहते हैं इसको. आप अपने स्किन के ऊपर सारा रब करके, और जैसे आईलैशेस को आप चाहते हैं अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो थोड़ा आईलैशेस के ऊपर भी ऐसे रब कर सकते हैं. अगर आपकी ब्लैक सर्कल्स हैं नीचे तो आईज के नीचे भी इसको रब कर सकते हैं. तो ये कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और ये होम रेमेड है, इससे हमारी स्किन ग्लो भी करती है. तो ये 2 टिप मैं स्किन के लिए जो अच्छी होते हैं. आप हैशटैग केयर ऑफ योर हेयर. हेयर के लिए क्या है कि अभी हमारे सबके हेयर्स में थोड़ा बहुत डैंड्रफ हो ही रहा है, तो डैंड्रफ ना हो इसके लिए मैं सबसे बड़ा टिप बताऊंगी. ये एक सब बेस्ट टिप है कि हमें जब भी हेयर वॉश करने हैं तो हेयर वॉश करते समय हमें तेज गर्म पानी का यूज नहीं करना है. ऑलवेज ल्यूक वॉर्म वाटर, इनकी हल्का गुनगुना पानी. अगर आप हल्का गुनगुना पानी का यूज करेंगे तो स्कैल्स के ऊपर जो पपड़ियां वो नहीं जमेंगी और आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकेंडली, हमें अपने कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऑयल लगाएं या ना लगाएं हेयर वॉश करते समय, तो प्लीज हेयर वॉश करने से पहले हमें 1/2 आवर जरूर ऑयल लेकर रब करना चाहिए हेयर्स को भी. अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, स्कैल्स के लिए, स्कैल के लिए अच्छा होता है, तो जरूर लगाना चाहिए. और अगर आप चाहो तो शैम्पूस, लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से शैम्पू यूज करें, तो डियर अगर आप चाहो तो घर में भी शैम्पू बना सकते हो. आंवला, रीठा, शिकाकाय का ये एक घर का शैम्पू है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ करेंगे और आपकी हेयर्स अच्छी होंगी. और रही बात कंडीशनर की, तो कंडीशनर के लिए मैं आपको सबसे अच्छा एक पैक बताऊंगी जो आपको 5 मिनट के लिए बालों पे लगाना है. आज के बाद आपको बालों को कंडीशनर करने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वन इज, आपको क्या करना है कंडीशनर करने के लिए, बनाना और हनी, इन दोनों को मिक्स करना. बनाना कट कर लेना और हनी इसको मैश करके, कट करके मैश करके अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है सारा. और उसके 5 से 10 मिनट के बाद आपको अपने हेयर वॉश करने, आपके हेयर्स सिल्की शाइनी इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि कितना अच्छा मास्क है ये. तो थैंक्स फॉर माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, हो सकता है कि बनाना हेयर्स को
जो मास्क है वो अप्लाई करना भी बताऊंगी जरूर। थैंक्स, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज है या आप चाहते हैं कि मैं इसमें और वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको वीडियो जरूर दूंगी। थैंक यू माई फ्रेंड्स।